आज एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे भारत के 140 करोड़ जनता द्वारा यूज किया जाता है। आज हम लोग ऐसी मशीन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसको बेचकर आप 50,000 रुपये महीने के कमा सकते हैं दोस्तों। 50,000 महीने? जी जी जी, 50,000 रुपये महीने के आप कमा सकते हैं। सही सुन पा रहा हूँ? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में और उस मशीन के बारे में कि उसमें लगने वाले छोटी छोटी बारीकियाँ कहाँ से क्या होएगा नहीं आएगा, इस पैसे में कैसे 50,000 रुपये को हम मंथली कैसे कमा सकते हैं दोस्तों, उस मशीन के बारे में बताएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं चप्पल बनाने की मशीन है। चप्पल बनाने की? जी हाँ जी हाँ, हवाई चप्पल बनाने की मशीन है जो 140 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। और ये मशीन मात्र 60,000 रुपये से स्टार्टिंग है पूरा सेटअप, जो आप 60,000 रुपये अपने लगाएं और महीने के 50,000 रुपये कमाएं। दोस्तों एक एक करके बात करेंगे मशीन के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में और इसमें लगने वाले जो पूंजी है, ठीक है, उसके बारे में कि अगर वो पूंजी आपके पास नहीं है तो उसको लोन से कैसे शुरू करना है, कैसे ईएमआई पे मशीनों को उठाना है और व्यापार करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके रॉ मटेरियल के ऊपर चर्चा करेंगे। रॉ मटेरियल हमारे पास से ही आपको मिलेगा। ये सारी तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। जो सबसे पहले सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आपको मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 मशीन तो आपने एडवांस में रखा हुआ है, तो मतलब मान लीजिए सर क्या होता है, लोग जाते हैं मशीन लेने, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है कि आप मुझे बुकिंग अमाउंट दो, बुक कर दीजिए मशीन, फिर मैं 1 सप्ताह बाद 15 दिन बाद बना के दूंगा आपको। आप क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में बताइए पहले। हमारे पास ऐसा प्रोसेस सर कि आपके पास जब पेमेंट क्लियर होता है जी, तो आपको एट ए टाइम मशीन डिलीवरी मिल जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, कोई भी ऐसा सैंपल कोई भी मशीन का हमारे पास मिनिमम 5 से 10 वो रखे रहेंगे और वो मशीनें आपको हमेशा ऑन द डेट ऑन टाइम डिलीवरी, एट ए टाइम डिलीवरी, आप पैसे पेमेंट कीजिए आपको मशीन मिलेगी। आप बोल रहे हैं कि सर हमारे घर पे मशीन पहुंचा दीजिए तब हम पेमेंट करेंगे जी, बकायदा आपके घर पे मशीन जाएगी, ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट कीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। पहला सवाल। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि मान लीजिए ये कोई मशीन लगाता है स्लीपर बनाने का, चप्पल बनाने का, तो क्या प्रॉफिट होगा महीने का? सर महीने के प्रॉफिट की बात करें तो मिनिमम 50,000 रुपये उसके महीने के कहीं नहीं जा रहे हैं हवाई चप्पल बेचकर, ठीक है। अच्छा जी, 50,000 रुपये महीने के आप कमा सकते हैं इस बिजनेस को लगाकर। ये हवाई चप्पल की पावर प्रेस मशीनें हैं। ये पावर प्रेस मशीनें आपको मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपके हवाई चप्पल में ही नहीं, आप गेट ग्रिल में कुंडी यूज करते हैं जी, कुंडी का यूज करते हैं, तो वो कुंडी की कटिंग मशीनें ये है। डाई चेंज करके आप वो भी बना सकते हैं, ठीक अच्छा? है, आप गेट ग्रिल में कई तरह के आकार के जैसे फूल बना हुआ है जी, ठीक है, तो उसके लिए आयरन को कट करना पड़ता है, प्रेस करके कट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपकी सिर्फ और सिर्फ एक मशीन से करेगी। आप चप्पल के साथ साथ में गेट ग्रिल का भी उद्योग इससे कर सकते हैं। मतलब मशीन एक काम अनेक, काम अनेक। क्या है कि हर एक लोगों को मशीन के बारे में नॉलेज नहीं, क्या इस मशीन का हम लोग कहाँ तक यूज ले सकते हैं उन्हें पता ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल सर, तो जब आप वो हमारे संपर्क में आइएगा हम आपको ये बताएंगे कि पावर प्रेस की मशीनें ना कि सिर्फ हवाई चप्पल बनाने में, गेट ग्रिल के उद्योग में भी बहुत ही सहायक रूप है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास मात्र 1,00,000 रुपये होने चाहिए। ये इतनी बड़ी मशीन 1,00,000 रुपये में पूरा सेटअप की अलग अलग सेटअप 1,00,000 रुपये में आपको मिल जाएगा और बाकी मशीन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो स्टार्टिंग है वो आपको करीब करीब 60 से 70 हज़ार रुपये में आपकी ये बिजनेस शुरू हो जाएगी मशीन की। अच्छा, मतलब 1,00,000 से कम में भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। शुरू किया जा सकता है, बहुत अच्छा। और सर मान लीजिए कोई 1,00,000 का बिजनेस शुरू कर लेता है तो आपका कहना है कि 50,000 रुपया तो आसानी से कमा सकता है। जरूर कमा सकता है सर, उसमें कोई दाग नहीं, कोई दाग नहीं, कोई दाग। तो सर वो कैसे अपनी मार्केटिंग वार्केटिंग करेगा इसके बारे में कुछ बताइए। सर मार्केट में मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो हवाई चप्पल बेचने के लिए एरिया वाइज जो भी टेंडर रहेंगे उनका हम लोग हेल्प लेते हैं और उनका बाकायदा नंबर हम आपको देते हैं ताकि आपको बेचने में किसी भी तरह का दिक्कत ना आ पाए। इन सारी मार्केटिंग को लेकर, इसके कॉस्टिंग को लेकर,
पैसे नहीं हैं लोन को लेकर, तो ये तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। आप कांटेक्ट कीजिए केजी मशीनरी से, आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। बहुत अच्छा। इस मशीन की सर क्या वारंटी देते हैं? ये पावर प्रेस की मशीन है सर, मैं आपको बता दूं कि 5 से 10 साल तक इसे कुछ नहीं होने जा रहा है। अच्छा, ये पूरा का पूरा लेथ मशीन, मतलब लोहा है ये, बिल्कुल पूरा आयरन है ये, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है। 5 से 10 साल इस मशीन को कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर इसके इस चैम्बर में कुछ भी इशू आता है तो हमारे पास अवेलेबल है लेथ मशीन, किसी भी तरह का दिक्कत आए बकायदा हम लोग सारा सर्विस मेंटेन करते हैं। हमको लगता है सर 10-12 mm का ये लगा हुआ है इसमें। जरूर जरूर, प्लेट मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी हैवी वेट में है ये भी जी, ये 10 टन का मशीन है, 10 टन का प्रेशर है, ठीक है। तो 10 से 20 टन का अगर किसी मशीन में प्रेशर है तो उतना वजन है मशीन में कि आपको कोई भी मेंटेनेंस का जरूरत। इसको चलाने के लिए सर कितने कारीगर और लेबर की जरूरत? मात्र एक लेबर, आपके घरेलू बिजली पे ये चलेगा, कोई ट्रिपल फेज की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे लाइए, घर की बिजली से यूज कीजिए और इस बिजनेस को शुरुआत कीजिए। मतलब घर की लाइट से चल जाएगा? जी हाँ जी। बहुत अच्छा। देखिए साथियों, सर का कहना है मशीन आपको घर की लाइट से चल जाएगा और एक लेबर की जरूरत हो, सर क्या उसकी कोई ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कराते जब आपका स्टाफ जाता होगा? सारा कुछ मशीन चलाने से लेकर मशीन पहुँचाने तक, चप्पल कैसे बनाना है, मार्केट में कैसे पैकिंग करके बेचना है, तो मशीन खरीदेंगे, माल आप बनाइए, माल बनाकर आप हमें बताइए, आपके नियर अबाउट होलसेलर का नंबर हम देंगे, आप माल बेचने का भी टेंशन नहीं लीजिए। बहुत अच्छा, मतलब मार्केटिंग में फुल सपोर्ट कर रहे हैं? फुल सपोर्ट करेंगे चप्पल। ये बात तो हो गई, देखिए मशीन की, सर जब मटेरियल अच्छा होगा तभी मार्केट में अच्छा बिक पाएगा जी, तो मटेरियल में क्या सपोर्ट करते हैं? मटेरियल का ऐसा सपोर्ट है सर कि इसमें लगने वाले सीट, चाहे वो सिलिकॉन हो, ठीक है, चाहे इसके रबड़ हो, चाहे इसके पैकिंग मटेरियल हो, सारी चीज़ें आपको केजी मशीनरी अवेलेबल कराएगी, ठीक है। और इसके सीट का जो शुरुआत है वो मात्र 30 रुपये पर सीट के कॉस्टिंग इसकी शुरू हो जाती है, बाकी सीट का डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, आप जैसा डिमांड कीजिएगा वैसा आपको रॉ मटेरियल। मतलब जो एक चप्पल बन के तैयार होगा 30 रुपये से बन के तैयार हो पाएगा? जी जी जी, सही है जी, तो बिल्कुल सही है, और उससे भी कम का है। अगर आप एक सीट पे जी, एक सीट से कम आप 10 जोड़ी बना सकते हैं जी जी, और उस जोड़ी का 30 रुपया अगर सीट का कॉस्टिंग पड़ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 15 रुपये में आपका चप्पल बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा। बाकी पैकिंग मटेरियल है, ठीक है, सब कुछ लगाकर 25 से 30 रुपये आपको पड़ जाएगा, रेडी हो जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा। और वो सर जो चप्पल आपका 15 से 25 रुपये में बन के तैयार होगा वो मार्केट में कितने का बिकेगा? वो मार्केट में आपका मिनिमम 50 से 60 रुपये तक का उसका बिक्री है सर। आसानी से बिक जाएगा? आसानी से बिक जाएगा, जो रोड पे पटरी पे लगा। जरूर 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 सर। लेकिन आज के समय में सभी तरह के लोग चप्पल पहनने वाले हैं, सभी तरह, कोई 50 रुपये का भी पहनता है, कोई 500 का भी पहनता है, तो ऐसा ना सोचे कि हर आदमी 500 का ही पहनेगा। जी, कुछ जी। लोगों के दिमाग में बता दे यार कंपनी का चप्पल लोग पहनेंगे, लोकल चप्पल कौन पहनेगा, ये लोगों के दिमाग में भ्रम है। एकदम बिल्कुल भ्रम है सर, बिल्कुल भ्रम है। मैं बस ये बोलूँगा कि स्लीपर का जो उद्योग है, ब्रांड के पीछे लोग जाते हैं जी, ठीक है, लेकिन यही हमारी कोशिश है कि उस ब्रांड वैल्यू से लोग पीछे हटे। बिल्कुल, क्योंकि वो एक फिजूल खर्ची में जा रही है। जो चीज़ें हमें 50 रुपये में मार्केट में अवेलेबल हो पा रही है तो हमें क्यों वो 200-300 रुपये खर्च करने की जरूरत है? बिल्कुल। तो ये ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ना लोग अनयूजुअल पैसे खर्च कर रहे हैं, खर्चे कर। यही कारण है कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि चप्पल का उद्योग खुद लगाएं और मार्केट से भी खरीदने जा रहे हैं, तो इसकी एक परख रखें आप, ठीक है। आपको एक सस्ता रॉ मटेरियल में अगर कोई 50 रुपये में दे रहा है आपको स्लीपर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार आदमी है, उसका क्वालिटी खराब होगा, ये बिल्कुल सोचना गलत है। तो सर मान लीजिए अब कोई ये साथी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, कैसे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? सबसे पहले तो केजी मशीनरी के दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको सिर्फ कॉल करना है, ठीक है। आपका आपके पास पैसे नहीं है तो लोन का अरेंजमेंट हम लोग कराएंगे। कई तरह के सरकारी लोन है जिसके माध्यम से आपको इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। PMEGP योजना है, बिहार उद्यमी योजना, इन सारी लोन प्रोसेस में हम लोग हेल्प करते हैं। अच्छा, मैंने लोन में भी पूरा का पूरा आप सपोर्ट करते हैं कि लोन पे अपना बिजनेस कैसे शुरू? जरूर जरूर सर, जरूर। बहुत अच्छा सर। तो सर मेरे साथी को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे सर कि बिहार
खास करके बिहार के जो युवा हैं वो अपने राह को चुने, एक बिजनेस की राह को चुने, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत ही सफल बनाएगी। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, लोन के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं, कुछ नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में डालें, हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे।